नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम दीपक यादव है और आप देख रहे हैं एडवाइजर दीपक। दोस्तों मैं अभी आ रखा हूँ गुरुग्राम में, सेक्टर 45 में फ्लोरा रेजिडेंसी होटल है। आज मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। इस होटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि इस होटल में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, खाने पीने डांस सारी एक्टिविटी आपको आज की वीडियो में कवर। तो दोस्तों चलते हैं होटल के अंदर। रिसेप्शन एरिया, आपको रूम के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्लोरा रेजिडेंसी होटल का नाम है। आपको अगर बुकिंग करनी है तो ऑनलाइन भी फैसिलिटी है और स्क्रीन पे मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप इनसे बात करके अपना रूम बुक करवा सकते हैं। जो फैसिलिटी आपको लेनी है आप ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम रूम के अंदर। रूम में देखते हैं कि क्या क्या रूम में सारी फैसिलिटी जो है वो क्या क्या मिल सकती है और इसके साथ एक्स्ट्रा क्या क्या दे सकते हैं, हम चलो देखते हैं। दोस्तों अब जा रहे हैं हम रूम में, जरा ये होटल के रूम्स देखते हैं। ये हमारा रूम है जो मैंने बुक किया है। रूम में एंट्री करते हैं रूम तो साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छी है। ये हमारा सबसे पहले बेड आपको दिख जाएगा, बेड के साथ ही अच्छा टेबल भी है। मतलब आपको काम करना है, कुछ भी वर्क करना है तो चाय पीते पीते या लैपटॉप पे अपना कुछ भी सिस्टम पे काम कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगा मुझे। और इसके साथ साथ ये मेरा बेड है, ज़रा इसके मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। बेडशीट भी बहुत बढ़िया है, साफ़ सुथरी है, अच्छी लग, देखने में कंफर्ट भी है, तो ये अच्छा है हिसाब किताब इसके साथ। अच्छा ये सही है, मतलब आप आराम करते रहो, आराम करते करते सामने टीवी भी देखते रहो, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो उसके साथ बैकग्राउंड में क्या है, अच्छा टेबल और ये, मतलब आपको बैठ के यहाँ पर लंच करना है तो लंच भी कर सकते हैं, कोई काम करना है मीटिंग करने की से बात तो ये कर सकते हैं। इसके साथ 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 ही मैं आपको यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं कुछ भी चीज़ आपको मंगानी है तो। और ये पिलो भी दे रखे हैं, अच्छे हैं। थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर ये अच्छा ये टावल दे रखा है, मतलब टावल भी आपका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये बालकनी का एरिया है, तो डिस्टेंस देखूं तो मैं डिस्टेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है बालकनी का। और ज़रा बाहर का एरिया देखता हूँ मैं भी, बाहर मैं देख रहा हूँ तो ये तो बहुत बढ़िया है, पूरा गुड़गांव दिख रहा है मुझे यहाँ से, तो मतलब हाइट पर इतना ये रेजिडेंसी सारी बिल्डिंग विल्डिंग सब कुछ दिख रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा एरिया है ये, सब कुछ आपको यहाँ से दिखेगा, ये सही है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, ये सामने अच्छा होटल के सामने पार्किंग का एरिया, पार्किंग का एरिया दे रखा है यहाँ पर सामने। लोकेशन तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो ये मुझे अच्छा लगा। चलो अब आखिरी पार्ट है इस रूम का, अटैच वॉशरूम, चलो वॉशरूम भी देख लेते हैं। ये वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा है पूरा एकदम, और सारी फैसिलिटी जो एक वॉशरूम में होना चाहिए वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर, तो ये भी अच्छा है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि रूम में ये चीज़ होना चाहिए तो कमेंट में एक बार ज़रा बताना, ताकि यहाँ के स्टाफ के लिए भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपका वॉश बेसिन हो गया, ये भी सही है। अच्छा साबुन शैम्पू सबको साथ में दिया जा रहा है, ये अच्छा है, मतलब परफेक्ट सबको ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों ये तो मुझे रूम बहुत बढ़िया लगा। दोस्तों अब चलते हैं लंच डिनर के खाने के इनके हॉल में, डीजे हॉल में, सारे आगे हम आपको बता दें। दोस्तों होटल में कुछ गेस्ट आए, इनका भी फीडबैक लेते हैं, होटल की सर्विसेज का, इनके फूड का। सर आपका गुड नेम? अंकित। सर आपका गुड नेम? रमेश कुमार। सर मैं जान सकता हूँ होटल में आप रह रहे हैं तो यहाँ के सर्विसेज के बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ का फूड कैसा लगा आपको? बढ़िया है, सब कुछ बेस्ट है। फूड आप एंजॉय कर रहे हैं? ठीक है, अभी हमने इनसे फीडबैक लिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर किया है इस होटल के बारे में। आपने सब कुछ देखा, फूड, डांस एक्टिविटी है, रूम्स कैसा है, सारी फैसिलिटी आपको दिखी है। कोई भी इंक्वायरी अगर आपको लेनी है तो स्क्रीन पर मैं आपको नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट से बात करके रूम को बुक भी कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो आपने देखी तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब जरूर करना।